हम रणथंबोर आ गए हैं, एक कैंटर में बैठे हुए हैं और यहाँ के सफारी कर रहे हैं। यहाँ का ये देखिए बहुत ही रॉ जंगल है, ये भैया हमें यहाँ सफारी करवाएंगे। सामने टेबल टॉप माउंटेन है, एक अरावली माउंटेन है, ये सारा का सारा अरावली। बताइए भैया इसके बारे में कुछ आप। ये अरावली माउंटेन है जो दुनिया की सबसे पुराने पहाड़ है, और ये अपने गुड़गांव की तरफ से हरियाणा से स्टार्ट होता है और गुजरात तक जाती है ये माउंटेन। अच्छा, यहाँ पे कितने टाइप के टाइगर्स और क्या क्या चीजें अवेलेबल है? स्पीशीज एक ही तरह की स्पीशीज है यहाँ पे टाइगर की। ओके, और इसके अलावा कभी लखोटा स्लॉथ और लेपर्ड भी दिख जाता है, ये दो नंबर सिक्स है। ओके, रणथंबोर में से पूरे पार्क में 10 जोन बने हुए। अच्छा, तो भाई हमारी तरफ से आपको पूरी कोशिश करेंगे टाइगर लेपर्ड या बहुत देर जो भी दिखता है वो दिखाने की। हमारे व्यूअर्स आपको बहुत धन्यवाद देंगे अगर हमें कुछ दिखा पाए तो। आप चलिए देखते हैं, हम पूरी ट्राई करेंगे। साइड का ब्रांच का ध्यान रखना जी। जी, गाड़ियाँ जंगल में बड़ी भी होती है, किसी के लग नहीं जाए। ठीक है भैया, हम पूरा ध्यान देंगे। बहुत ही रॉ जंगल में है हम लोग यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है हमें सब कुछ, और अंधेरा होने से पहले हम यहाँ से निकल लेंगे बिस्मिल लग कि हमें कुछ दिख पाए। और सामने से कोई टाइगर नजर आया है मैम? कई दफा मेरे विलेज में भी टाइगर आ जाता है तो हम तो देखते रहते हैं। विलेज के अंदर? विलेज के अंदर तो नहीं, हाँ आजू बाजू में आ जाता बिल्कुल, सो क्लोज। बहुत बढ़िया, यहाँ पे सड़कों पे आपको टाइगर देखने को मिल जाते हैं, हम लोग पैसे दे के आए हैं देखने। हमने बाइक से भी दिख जाते हैं, कॉमन रोड है, जंगल के अंदर होते हैं पूरा रोड। बढ़िया, 7 किलोमीटर का रोड है। ये देखिए कदम का पेड़, हम बिल्कुल पैनी नजर डाल के बैठे हुए हैं कुछ दिख जाए हमें। यहाँ एक गेट आएगा, उसके बाद फिर हमें एनिमल दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये लीजिए गेट आ गया हमारा, ढलान है यहाँ पे, बहुत बहुत ज्यादा ढलान है। देखो टाइगर या लेपर्ड जो भी प्रेडेटर एनिमल होता है उसको देखने के बाद डियर वगैरह वार्निंग कॉल करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग कॉल होती है सांबर डियर की। सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, लंगूर, पिकॉक, और ये जो आप देख रहे हो एंटीलोप नीलगाय, ये भी बहुत अच्छी वार्निंग कॉल करती है जो काफी दूर तक सुनाई देती है। तो आप उसी को सुन रहे थे अभी खड़े होकर? हम टाइगर दो ही तरह से फॉलो करते हैं यहाँ पे, एक तो होता है पगमार्क, तो मोस्टली आफ्टरनून में पगमार्क नहीं दिखते क्योंकि गाड़ियाँ निकल जाती हैं, कई तरह के एनिमल निकल जाते हैं, और आफ्टरनून के सफारी में ज़्यादातर डिपेंड ऑफ द वार्निंग कॉल पे निर्भर करता है। बढ़िया, और उसके अलावा मॉर्निंग टाइम में आप पगमार्क फॉलो कर सकते हो। ठीक है भैया, चलिए चलते हैं अब आगे, हमें कोई वार्निंग कॉल सुनाई नहीं दिया अभी तक। यहाँ पे नील गए थे, झुंड था फीमेल्स का, स्पॉटेड हिरन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, बहुत सुंदर वाले, बहुत ज्यादा सुंदर हैं ये। ये फीमेल है, भैया ने बताया कि ये फीमेल है। मेल द हैव द एंटलर, सिंग होते हैं मेल के। ओके, वो थोड़ा बड़ा बड़ा है सर, फेदर गिरा देता ना। हाँ। वैसे ही नेचुरल गिरा देते हैं और इनको खा भी लेते हैं, ये फीमेल ज्यादा खाती है। किस चीज को? अपने सिंग को खुद? यस, अपनी जो कैल्शियम की कमी है वो इसी से पूरी करते हैं, बोन्स भी खाते हैं डियर और एंटलर भी खाते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है भैया ने। ये यहाँ पे आपको वाइल्ड बोर देखने को मिला है, वो देखिए जा रहा है छोटा भागता हुआ, सुअर, जंगली सुअर। अरे रुक गया है वो, दूर है पर अच्छा है। हाँ। मुझे जंगली मोर दिखा है। जंगली मोर कहाँ दिख रहा है? हाँ ये मोरनी है। बहुत सारे हिरन हमें देखने को मिल रहे हैं और तभी यहाँ पे मिलता है टाइगर, और हमें एक लंगूर भी देखने को मिला है, बड़ी सी पूंछ वाला। ये देखिए ये मोटा मेल वाला भी मिला है, और ये सींग वाला हिरन मेल था ये, और बहुत सारे मोरनिया है ये छोटे छोटे। सर जीप में और कैंटर में क्या डिफरेंस है? लोग जीप की प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। जीप में एक ही फैमिली आ सकती है ना, इसलिए इसके अलावा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे सिर्फ जैसे हिली एरिया जहाँ पे सिर्फ जीप ही जा सकती है। अच्छा, कैंटर नहीं जा सकता? तो आप हमें उन एरिया में नहीं ले जा पाओगे? नहीं। ठीक है भैया, कितने पास आ गए हैं ये, इतने पास से मैंने नहीं देखे हैं। हाँ देखा मैंने, बहुत सारे यहाँ बच्चे देखे आप, बहुत सारे बच्चे हैं, मेल फीमेल बच्चे सब देख लिए हमने। कोचर है व्यूअर्स, क्या आप व्यू कर पा रहे हैं मुझे बताना, मुझे तो दिख गया। मेल बन गए, ये देखिए चिंकारा, ये मेल है, इसकी हॉर्न्स देखो, इसको हॉर्न्स में रिंग है, रिंग टाइप है, और फीमेल के प्लेन होते हैं, स्मॉल होते हैं दिखने में। क्या है ये?
ये चिंकारा है, इंडियन गजेल, बहुत सुंदर। ये राजस्थान का स्टेट एनिमल है, सब भैया ने बताया। बिश्नोई वाली बात, बिश्नोई लोग होते हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो स्पेशली एक खेजड़ी पेड़ होता है, उसके लिए पुराने टाइम पे काफी लोगों ने बलिदान भी दिया था उस पेड़ को बचाने के लिए। और ये इंडियन गजल उनके घरों में ऐसे घूमते हुए आपको इजीली दिखाई देंगे, वो ज्यादातर कम्युनिटी जोधपुर के आसपास पाई जाती है। ये देखिए, थोड़ा पास से दिखा देते हैं एक बार, ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा है। ये इतना ही बड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये फुल ग्रोन मेल है। चिंकारा बेटा, चिंकारा। चीते के बाद सबसे तेज यही है। सेरेंगेटी प्लेन्स पे लोग जाते हैं। पूछना चाहती हूँ, पहले रणथंभौर देख लिया है क्या? एक बार खूबसूरती देख लीजिए इस जगह की, बहुत सुंदर जगह है, बहुत ज्यादा सुंदर। ये व्यू देखिए एक बार, बहुत सुंदर। वन मोर द मेल, नहीं सांभर डियर देख लीजिए। इमरान भाई, यस, ये टाइगर का सबसे फेवरेट फूड है। चलो सांभर, आगे चलो, सांभर मसाला। ये देखिए, ये देखिए, ये एरिया टाइग्रस नूर का है। देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। दोगला, यानी इसका कोई विश्वास नहीं है। किसका? लेपर्ड का? और मोस्टली टाइगर यूज टू रहते हैं, बचपन से गाड़ियां देखते हैं। अच्छा। तो ये वेरी फ्रेंडली होते हैं, ये कभी क्रूज पे अटैक नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ कोई। और लेपर्ड ने? नहीं, लेपर्ड ने भी गाड़ी पे तो कभी चार्ज सही होता है, बच जाता है, लेकिन वो विश्वास करने लायक एनिमल नहीं है। लेपर्ड याद रखिएगा व्यूअर्स, की भैया ने क्या बताया, लेपर्ड पे विश्वास मत करना, वो है दोगला। अरे कम से कम वो दोगला लेपर्ड दिख जाए। आप भी सुनोगे, वार्निंग कॉल आई है, बता रहे हैं। कौन से जानवर की वार्निंग कॉल है? सांभर। इस इलाके में बहुत ही ज्यादा टाइगर और लेपर्ड मिलते हैं, इसलिए हम पिछले 20 मिनट से यहीं पे खड़े हो रखे हैं। यहाँ पे पानी पीने की जगह है, नेचुरल पानी, देखिए। मीनवाइल आपको एक तितली दिखा देते हैं। तेंदू का पेड़ है, ये चीकू की तरह एक फ्रूट होता है तेंदू, और ये बीड़ी इसी के पत्ते की बनती है। ओ ओ ओ, ध्यान से देखिए व्यूअर्स, हम कई बार चीजों को देख के अनदेखा कर देते हैं। इस पेड़ से बनती है बीड़ी, तेंदू का पेड़ है ये। अब हमें आगे जाना ही होगा, कोई बात नहीं, आगे चल के देखते हैं। ये देखो सांभर की स्पॉटेड डियर, पीछे पीछे इसके डियर दे, वो देखो भाई, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े सांभर, मसाला सांभर। हम जोन के लास्ट तक पहुंच गए हैं, अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है। वो केंद्र गया ना? हाँ हाँ, आगे वापस देखना बेहतर रहेगा। हम जोन के लास्ट में आ गए हैं, अभी तक हमें कुछ दिख नहीं पाया है, वापस जा रहे हैं, शायद कुछ दिख जाए रास्ते में, बताइए भैया। कुछ तो मैंने काफी कुछ देख लिया, ऐसे बात नहीं। भाई जिसके लिए आए थे वो चीज नहीं दिख पाई है, बाकी बहुत कुछ दिखा है। मैम देखो, ये जू नहीं है ना, ये वाइल्ड लाइफ है, इजीली टाइगर जू में दिखता है। कोई बात नहीं, हम फिर मेहनत करेंगे। अभी अपन जंगल में है, अभी कुछ भी दिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, देखते हैं अभी, अभी हम हैं जंगल के अंदर ही। ये देखिए कितना बड़ा सांभर में दिख गया है, ये मडबात करके आया है, और छोटा सा हिरन भी है इसके पीछे। देखते हैं, इस साइड भी है काफी ज्यादा। टाइगर के पग मार्क्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही ताजा हैं, तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि हमें मिल जाए टाइगर। पर उससे पहले हम दिखा देते हैं कि हमें कुछ भैंसे नजर आ गई हैं यहाँ पे। वो जंगल विलेज है यहाँ पे पास में, 2 किलोमीटर दूर वहाँ से आ जाती है। ये जंगली भैंसे नहीं है, ये नॉर्मल है। बीच में यहाँ चेक पोस्ट है, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर आगे चलते। वार्निंग कॉल आई है, लंगूर बंदर है या कोई सा और सा बंदर है? लंगूर बंदर है। एक ये बंदर भी बोल रहे हैं यहाँ पे।
वेट चल रही है अभी भी। टाइम देखना टाइम क्या हुआ, देखना साढ़े चार साढ़े छः चलो चलो टाइम हो गया। ओ बस अब हम वापस जा रहे हैं, बाग तो नहीं दिखा पर और बहुत कुछ दिखा। चलिए चलते हैं अगले एडवेंचर की तरफ। टिल देन थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छी सफारी दिखाई है हमें। भैया हमारे व्यूअर्स को बाय कर दीजिए प्लीज। और छोटा।